दुनिया में हर जात धर्म वर्ण एज के लोग को पैसा चाहिए है ना। लेकिन इसके लिए बदनाम कौन है? बास लड़कियां, खास करके शादीशुदा लड़कियां। सर लोग यही बदनाम करते हैं, पैसा के लिए है, पैसा है तो वो है, पैसा नहीं तो वो नहीं है, पैसा के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जबकि वह सच नहीं है। कुछ लड़कियां मरते हैं पैसा के लिए, पैसा उनके जिंदगी में सब कुछ होता है, लेकिन सारे लड़कियां ऐसे नहीं होते। इसके लिए ना सारे लड़कियों को बदनाम मत कीजिए। इसके लिए मैं कहानी बताती हूँ। एक राज्य में राजा रानी थे। राजा नोटिस किया वो रानी कभी खुश नहीं रहती। एक दिन वो पूछे, रानी आपका दुख का वजह क्या है, कारण क्या है, आप खुश क्यों नहीं है? रानी बोले, मैं जो चाहती हूँ ना वो मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। राजा बड़ा आश्चर्य हो गया, सब कुछ तो है, सोना चांदी पैसा नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ तो है, तो फिर क्या दुख है तुमको? रानी बोले, फिर भी हमको जो चाहिए, हम जो चाहते हैं हमको नहीं मिल रहा, इसलिए हम दुखी। राजा बड़ा गुस्सा हो गए, बोले कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर तुम मेरे पास क्यों हो? रानी बोले, हम तो अपनी प्रजा की वजह से हैं। राजा बोले, अच्छा प्रजा की वजह से हो तो ठीक है, तुम्हारी प्रजा बोल सकते हैं क्या, तुम्हारा दुख का वजह क्या है? रानी बोले, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? राजा बोले, ठीक है कल हम एक काम करेंगे, प्रजा को बुलाएंगे, जो आके वो करेक्ट आंसर देगा, तुम्हारा दुख का वजह बताएगा, उसको हम इनाम देंगे, अगर नहीं बता पाएगा उसको हम दंड देंगे। रानी बोले, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, राजा अनाउंस कर दिए, हम हर दिन एक तोता भेजेंगे, तोता जिसकी घर के ऊपर जाके बैठेगा उसके घर के एक आदमी आएगा, आके रानी का दुख का वजह बताएगा, जो बताएगा उसको हम इनाम देंगे। सारे राज्य में एक खबर फैला दी, सब लोग डर गए, रानी क्यों दुखी है हमको क्या मालूम, सब लोग डर गए, रानी के पास सब कुछ तो है। उसके बाद ऐसा कर किया गया, हर दिन जाके वो जिसकी घर पे घर के ऊपर बैठता था उसके घर में एक आके रानी क्यों दुखी है वो बताते थे, अगर नहीं बता पाते थे वो राजा उनको बहुत पिटाई करते थे। ऐसे एक दिन क्या हुआ, एक घर में जाके बैठा, उसके घर में कोई लड़की नहीं थी, एक छोटा बच्चा था और उसके पापा थे, उसके मम्मी का डेथ हो चुका था, मतलब टेंशन में हो गए, जिसके घर में लड़की है औरत है उन लोग को नहीं मालूम, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। इस उसके बड़े टेंशन में वो बैठे हुए थे, चिंतित होकर बैठे हुए थे, उनके जो पड़ोसन है वो उनके घर को आए, बोले तुम्हारे दुख का वजह क्या है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? वो बोले, ऐसा ऐसा कल हमको राजा के घर को जाना पड़ेगा, राजदरबार जाना पड़ेगा, रानी क्यों दुखी है हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन हमको तो मालूम नहीं रानी क्यों दुखी है, हमारे घर तो कोई औरत नहीं है, वो किस वजह से लड़कियां खुश होते हैं किस वजह से दुखी होते हैं हमको तो कोई आइडिया नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं? उसके बाद वो कुछ आइडिया दिए, जैसे तुमको ऐसे ऐसे बोलना है, लेकिन वो जो आदमी था उसको मतलब वो सेटिस्फाई नहीं था वो आंसर से, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बोलेंगे फिर तो राजा शायद गुस्सा करके हमको और ज़्यादा पनिशमेंट देंगे, हम ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन उनका जो बच्चा था छोटा सा बच्चा, वो बोला यही करके आंसर है, हम जाके यही बोलेंगे। उसके पापा बोले, नहीं नहीं तुम जाओगे तो फिर राजा तुमको ज़्यादा दंड देंगे। वो बोले, नहीं नहीं हम जाएंगे, कल जाएंगे, जरूर जाएंगे और यही आंसर बोलेंगे। उसके बाद सेकंड दिन आया, वो जाके राजदरबार में खड़ा हो गया वो लड़का, राजा देख के बड़ा गुस्सा हो गया, क्या मजाक बना कर रख दिया, जो बड़े बड़े लोग आके नहीं दे पा रहे मेरे सवाल का जवाब, तुम छोटा सा बच्चा क्या कर लोगे? बोला, नहीं नहीं हम सही जवाब दे देंगे, रानी क्यों दुखी है हमको मालूम है। राजा बोले, सोच लो जिस सब लोग को हम जितना दंड दे रहे हैं ना तुमको डबल दंड देंगे अगर नहीं बता पाए तो। बच्चा बोला, हमें मंजूर है। फिर बोले, ठीक है बोलो क्यों रानी दुखी है? बोले, रानी यही चाहती है आप हर बात उनसे पूछ के करें, अगर किधर कुछ करते हैं तो उनसे सलाह मशवरा लें, अगर उनसे गलती हो भी गई तो भी आप उनके पैर के पास बैठ के सॉरी बोले, सारे ईगो सारे अहंकार छोड़ के आप सॉरी बोले, उसके लिए वो आप ये नहीं करते इसलिए वो रानी दुखी। रानी बोले, सब बात यही तो मैं चाहती हूँ। राजा बड़े आश्चर्य हो गए, उसके बाद उसको इनाम देके छोड़ दिया। इसका एग्जैक्ट मतलब यही नहीं है, मतलब सारे लड़के को माफी मांगना चाहिए पैर के नीचे बैठ के, मतलब यही है शादी के रिश्ता ऐसा है कोई भी माफी मांग सकता है लड़का हो लड़की, लेकिन लड़का अगर माफी मांग भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंपटीशन नहीं है शादीशुदा का जो जिंदगी ना कंपटीशन नहीं है, जो माफी मांगेगा तो हार गया वो, जो नहीं मांगा वो विन कर लिया, ऐसा तो नहीं है।
लेकिन अगर वो माफी गलती ना करके भी कोई माफी मांग ही लेता है तो जो जिसका गलती होगा ना वो खुद ही शर्मिंदगी महसूस करेगी कि हम गलती किए फिर वो माफी मांगे। वो शायद बोले नहीं कर सकती लेकिन वो मन ही मन उसको बुरा लगेगा, वो उसका जो गलती है वो सुधार लेगा। जो लड़कियों को पैर की धूल समझते हैं, पैर के जूते समझते हैं, वो लोग को तो ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो रेस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की उनको शायद अच्छा लगेगा। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।